हमारे जो किसान हैं वो राजधानी में बैठे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार उनकी सुन नहीं रही है। सरकार, भाजपा सरकार ने उनसे इतने सारे 3 जो फार्मर लॉज हैं वो ले आए हैं लेकिन उनसे कंसल्ट नहीं किया। अब वो चाहते हैं कि इनका रिपील हो जाए, सरकार इसे वापस ले लें। तो आपने जो किसान के प्रोटेस्ट है सर, आपसे ज्यादा तो किसी ने इतने मतलब करीबी से देखे भी नहीं होंगे, आपके वहां पे भी इतने हुए थे, आपने उनको हैंडल किया, तो आप इस हैंडलिंग में क्या मतलब एडवाइस देना चाहेंगे? आप किस तरीके से देख रहे हैं जो दिल्ली में राजधानी में जो हो रहा है उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, मैं 2 चीजें प्रमुख रूप से कहना चाहता हूं। नंबर 1, लोकतंत्र में संवाद और चर्चा, यही समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है। लोकतंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं होता। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है और इसलिए हमारे किसान भाई जो वहां बैठे हुए हैं सिंधु बॉर्डर पे दिल्ली के आसपास, उनको चर्चा नहीं छोड़नी चाहिए, लचीला रुख अपनाना चाहिए। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली में बैठे हुए किसान भाइयों को शिकायत हो सकती है, संदेह हो सकता है, भ्रम हो सकता है, लेकिन करोड़ों करोड़ किसान किसान कानूनों को किसान के हक में मानते हैं। और मैं जो समझता हूं मध्य प्रदेश में जो किसान समझ रहे हैं, देखिए APMC मॉडल एक्ट बने, ये वकालत केवल हमने नहीं की, हमारे पहले शरद पवार जी से लेके मनमोहन सिंह जी से लेके सोनिया गांधी जी ने तो अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था ये, मैं उस बहस में भी नहीं जा रहा। लेकिन इन कृषि कानूनों में क्या है? पहली चीज ये कि किसान को मंडी के अलावा अगर और एक विकल्प बेचने का फसल मिल जाए तो इसमें बुराई क्या है? मंडी में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसको, और इसलिए एक प्रतिस्पर्धा अगर खड़ी हो जाए कि किसान चाहे तो मंडी में बेचे, और किसान को अगर मंडी से बेहतर विकल्प कोई दूसरा मिलता है, उसके घर पे अगर कोई आके उसको ठीक दाम दे रहा है तो मंडी में जाने के लिए क्यों बाध्य किया जाए? अगर कोई फूड प्रोसेसर सीधा खरीद रहा है तो बिचौलिया बीच में क्यों आए? कोई अगर एक्सपोर्टर उसे खरीदना चाहता खेत में तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? भाई प्रतिस्पर्धा होने दीजिए ना, मंडी अपनी व्यवस्था अच्छी करे, वहां अच्छी व्यवस्था रहेगी तो वहां जाएगा, और अगर कोई व्यापारी अच्छी व्यवस्था बाहर कर रहा है तो बाहर खरीदने, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे नहीं लगता किसी किसान को इसमें कोई ऐतराज है। दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कही जाती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो प्रावधान है वो यही तो है ना कि बोते समय अगर कोई कंपनी या कोई व्यापारी किसान से तय कर ले कि मैं 5,000 रुपया क्विंटल तुम्हारा सोयाबीन खरीदूंगा, 4,000 रुपया क्विंटल खरीदूंगा, और किसान को लगता है कि ये रेट उसके लिए मुनासिब है, ठीक है, और बोते समय उसको पता चल जाता है कि मुझको ये रेट मिलेंगे, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? ये उसकी मर्जी है। और ये भी इसमें प्रावधान है कि अगर रेट बहुत घट गए तो व्यापारियों को इस रेट पर खरीदनी पड़ेगा, लेकिन ज्यादा बढ़ गए तो उसमें से समझौते से बाहर निकलने का अधिकार भी उसके पास है। इसमें कहां कौन सी चीज किसान विरोधी है? और नंबर 3, अभी स्टॉक लिमिट होती थी कि व्यापारी इतना प्याज खरीद पाएगा, इतना आलू खरीद पाएगा, इससे ज्यादा कोई धनिया नहीं खरीद पाएगा, और इसके कारण भी रेट गिरते थे कि इससे ज्यादा खरीद नहीं सकता। अगर ये स्टॉक लिमिट हटा दी तो रेट और बढ़ेंगे, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और इसलिए मैं कहता हूं कि ये किसानों के पक्ष में है, किसानों के हित में है, और इसी के कारण प्रतिस्पर्धी और ठीक रेट मिलेंगे किसान को। और आप जो कह रहे हैं, कई जानकार भी हैं वो ये कह रहे हैं शिवराज जी, लेकिन किसान का ये कहना है कि जो आप संवाद की बात कर रहे हैं, बातचीत की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब ये कानून बनाए जा रहे थे उस वक्त सरकार ने उनसे कंसल्टेशन जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी और इस वजह से अब प्रॉब्लम हो रही है। अब उनका ये भी कहना है कि आप कह रहे थे कि कैसे शरद पवार सोनिया गांधी, लेकिन उनका ये कहना है हमें तो राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, हमें किसी पॉलिटिशियन को ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ही नहीं है। वो कह रहे हमारे से बातचीत पहले क्यों नहीं हुई और इस वजह से इसमें MSP नहीं है, वो ये बात नहीं समझ रहे हैं। तो इसका आप क्या कहेंगे? उनका ये कहना है कि सरकार ने कंसल्टेशन नहीं की है। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मॉडल APMC एक्ट की बात एक नहीं कई वर्षों से हो रही थी और जिसमें यह भी शामिल था कि मंडी के बाहर विकल्प होने चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के बारे में कह सकता हूं कि व्यापक पैमाने पर कई बार ये चर्चा हुई और किसान इसके पक्ष में थे कि हाँ मंडी के अलावा भी खरीदने का विकल्प होना चाहिए। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि MSP खत्म नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कई बार सरकार कह चुकी है, भारतीय जनता पार्टी भी इसके लिए प्रतिबद्ध है। अभी भी हम खरीद कर रहे हैं, धान की रिकॉर्ड खरीदी हो रही है मध्य प्रदेश में, लगातार हमने खरीदी जारी रखी है। मैं इसको राजनीति में नहीं ले जाना चाहता, नहीं तो UPA की समय की खरीदी देख लीजिए, आज की खरीदी देख लीजिए, कई गुना ज्यादा खरीदी हमने। तो MSP किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगा। और तीसरी चीज ये है
कि अगर कोई आशंका है तो चर्चा करो ना भाई। भाई लोकतंत्र में तो चर्चा से, बहस से आप अपने तर्क रखिए, हम अपने तर्क रखें, उसी में से तो रास्ता निकलेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि करोड़ किसान इसके पक्ष में है। तो आपको लगता है मुख्यमंत्री जी कि क्योंकि हमने मंदसौर में भी देखा था वो, आपको लगता है कि इसका, बिकॉज हमें नहीं मालूम कि इसका क्या, हाउ विल इट बी रिजॉल्व्ड, और अभी भी बात चल रही है, आज तोमर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आपको लगता है इसका पॉलिटिकल कुछ फॉलआउट हो सकता है क्या, इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट सरकार पर पड़ सकती है, क्योंकि ये जो जो पूरी जो फार्मिंग कम्युनिटी है, जो किसान भाई हैं जो बैठे हुए हैं वहां पे, और समुदाय के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वो जितने भी महीने लग जाए, वो जब तक वापस नहीं लिया जाता वो नहीं जाएंगे। तो आपको लगता है इसका कुछ पॉलिटिकल फॉलआउट हो सकता है? देखिए, एक तो जिद से समस्या का समाधान नहीं होता, मैंने पहले ही कहा कि जिद के बजाय चर्चा ही इसका एकमात्र उपाय है कि हम चर्चा और बातचीत करके नुकसान क्या है, फायदे क्या है, उस पर डिस्कशन करें। दूसरे, बाकी किसानों को भी तो अपनी बात कहने का हक है, उसके पक्ष में भी बड़ी संख्या में किसान है। आप अगर देखेंगे कि तो आंदोलन तो बहुत छोटे हिस्से में है, बाकी देश में कहां आंदोलन है, तो क्या उन किसानों की बात नहीं सुनी जानी चाहिए? बात सबकी सुनी जानी चाहिए। और जहां तक पॉलिटिकल फॉल आउट का कोई बात है, तो हम हर चीज को राजनीति के पलड़े पर नहीं तौलते। चुनाव राजनीति वो एक अलग विषय है, हमारे प्रधानमंत्री तो देश के लिए समर्पित है दिनों रात, उनका क्या स्वार्थ आखिर हो सकता है? उनकी तो हर सांस हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता के लिए चलती है, इसलिए पॉलिटिकल फॉलआउट का सवाल नहीं है। सवाल किसानों को समाधान होना चाहिए और सबको समाधान होना चाहिए, केवल एक समूह की बात नहीं है। अगर एक समूह को भी आपत्ति है, मैं तो कहता हूँ एक किसान को भी आपत्ति है, तो चर्चा होनी चाहिए, इसलिए चर्चा करें। मैं आपके प्रदेश के बारे में आना चाहूंगी, राज्य के बारे में आना चाहूंगी सर, लेकिन एक और प्रश्न जो कि ऑपोजिशन वाले, और उन्हें मध्य प्रदेश का नाम लिया था इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो केटीआर हैं तेलंगाना के मंत्री, उनका ये कहना था कि जो भाजपा के नेता और मुख्यमंत्री हैं वो हिपोक्रिटिकल हो रहे हैं, क्योंकि बोथ हरियाणा और मध्य प्रदेश में वो बाहर के जो किसान हैं उनको आकर बेचने नहीं देते हैं। तो फिर इन जो फार्म और रिफॉर्म लॉज की जो बात हुई है उसमें जो वन नेशन वन मंडी, वो उसके पहले खिलाफ थे, तो अब क्यों कह रहे हैं, अब वो क्यों नहीं समझ रहे? पता नहीं केसीआर के संदर्भ में कह रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं वन नेशन वन मंडी। हिंदुस्तान का कोई भी किसान किसी भी राज्य में इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश अपने उत्पाद को बेच सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और ये कानून इसकी इजाजत उसको देते हैं, इसकी ताकत भी उसको देते हैं। अगर किसी एक संदर्भ में कह रहे हो तो केवल मैंने एक संदर्भ में ये बात कही थी कि एमएसपी पे खरीदी में कई बार पुराना रखा हुआ बिचौलिया व्यापारी इधर उधर के लाके बेच जाता है, वो एक्चुअल किसान का नहीं होता। तो उस संदर्भ में मैंने एक निर्देश दिया था मध्य प्रदेश में कि कोई इस तरह से गलत ढंग से गलत अनाज पुराना रखा हुआ कोई व्यापारी ने खरीद कर रख लिया और उसको बेचने की कोई कहीं से कोशिश करता है तो वो नहीं बेच पाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए गलत संदर्भ में किसी ने बात प्रस्तुत की है, मैं वन नेशन वन मंडी के पक्ष में हूं। हिंदुस्तान के किसी भी किसान को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपने कृषि उत्पाद को बेचने का अधिकार है, वो मध्य प्रदेश में आए और बेचे, मैं उनका स्वागत करूंगा। मैं तो मध्य प्रदेश की बात नहीं करता, मैं तो एक्सपोर्ट की बात भी करता हूं। हम तो कोशिश करें कि दुनिया के बाजारों में हम छा जाएं, मध्य प्रदेश का सरबती गेहूं और बासमती चावल दुनिया भर में छाए ना, आधे यूरोप में हमारा बासमती चावल जाता है। तो हम तो इसके पक्ष में है कि देश में नहीं दुनिया भर में हम भेजें।